हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। सोमवार को सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से देय होगा। हिमाचल कैडर के IAS अधिकारी तरुण कपूर बने PM के सलाहकार। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। कपूर पिछले साल 30 नवंबर को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। ग्रीष्मकालीन स्कूल बदल सकेंगे टाइमिंग, विभाग ने दिए 2 विकल्प। भीषण गर्मी के बीच शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों को टाइमिंग में बदलाव करने का विकल्प दे दिया है। शिक्षा विभाग ने स्कूल मुखियाओं को पत्र जारी कर कहा है कि यदि गर्मी की स्थिति को देखते हुए उन्हें लगता है कि स्कूल टाइमिंग में बदलाव करना जरूरी है तो वे बच्चों और अभिभावकों की सहूलियत को देखते हुए ये फैसला ले सकते हैं। इसके तहत शिक्षा विभाग ने 2 विकल्प भी दिए हैं। इसके तहत स्कूल का टाइम सुबह 7 से दोपहर 12:30 बजे तक या फिर 7:30 से दोपहर 12:50 बजे तक बदला जा सकता है। PMO तक पहुंची JOAIT की गूंज। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी JOAIT पोस्ट कोड 817 की गूंज अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। कोर्ट केस के बाद से अटकी इस भर्ती की शिकायत PM मोदी को भेजी है। इससे पहले अभ्यर्थियों ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को ये पत्र भेजा था। इसमें आरोप लगाया गया है कि अफसरशाही की लापरवाही से हिमाचल में रोजगार के केस कोर्ट में जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। PMO को ये पत्र 19024 उन अभ्यर्थियों की ओर से भेजा गया है जिन्होंने ये परीक्षा दी थी। उनके टाइपिंग टेस्ट भी हो गए हैं, लेकिन इसके बाद अब कोर्ट में केस जाने से प्रक्रिया अटकी हुई है। दरअसल पोस्ट कोड 817 के पदों में कटौती न करने की मांग पर ये युवा अड़े हैं और इसलिए ये अलग से हाई कोर्ट गए हैं। सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल करेगी कांग्रेस। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि 4.5 वर्षों में हिमाचल की अनदेखी हुई है। भाजपा सरकार ने महंगाई बढ़ाकर लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए उपचुनावों की तर्ज पर ही कांग्रेस सरकार जनता के आशीर्वाद से सत्ता में आएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे 2003 में भाजपा सरकार ने बंद किया था, कांग्रेस सरकार बनते ही उसे बहाल किया जाएगा। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर सोमवार को युवाओं ने BDC सदस्य अधिवक्ता शोभित गौतम की अगुवाई में जिलाधीश ऊना राघव शर्मा से मिले। युवाओं ने जिलाधीश राघव शर्मा के माध्यम से केंद्र सरकार व डिफेंस मंत्रालय को आग्रह कर जल्द भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाने की मांग उठाई। युवाओं ने कहा कि अगर जल्द ही इस मामले में कोई संज्ञान न लिया गया तो जिला ऊना में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। अधिवक्ता शोभित गौतम ने कहा कि करीब 1 साल पूर्व जिला के लगभग 400 युवाओं ने सेना भर्ती रैली के दौरान ग्राउंड टेस्ट क्लियर किया था, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक 1 साल बीत चुका है, अभी भी युवाओं की सेना भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर कोई सूचना साझा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले COVID-19 के चलते ये परीक्षा 2 बार रद्द हुई। गौतम ने कहा कि सरकार COVID-19 की विकट परिस्थितियों के बीच चुनाव का संचालन सफलतापूर्वक करवाती रही है। इसके साथ ही पुलिस भर्ती व अन्य परीक्षाओं का भी सफलतापूर्वक संचालन किया गया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के चलते युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन हम अपने जिला के युवाओं का शोषण नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आज का ये अपडेट सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।